हमेशा जब बड़े नेता कुंवर आरपीएन सिंह थे तो अजय लल्लू और कुंवर आरपीएन सिंह में हम लोग मारे जाते थे कि कभी अजय लल्लू कहते थे ये आरपीएन सिंह के हैं और आरपीएन सिंह कहते थे कि अजय लल्लू के हैं। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम लोगों की बारी आई है, हम लोग अपना टिकट की दावेदारी किए हैं, तो अजय लल्लू ने शुद्ध रूप से आपराधिक छवि के लोगों को पैसा लेके टिकट बेचने का काम किया है। जहाँ तक कि महाराजगंज देवरिया और कुशीनगर में एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है। एससी सीट है रामकोला, रामकोला में जो दंगाई व्यक्ति है शंभु चौधरी, जो पार्टी में कभी कांग्रेस पार्टी में रहा ही नहीं, उसको उन्होंने पैसा लेके टिकट देने का काम किया है। जो 22 वर्ष 25 वर्ष से कार्यरत हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे उनको टिकट देने का काम नहीं किया है। और केवल भाजपा तो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लेकिन ये अजय लल्लू बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी को खा जा रहा है और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को कमजोर करने का ये काम कर रहा है। लगातार कुशीनगर जिले में जिला संगठन के जिस प्रकार से उपेक्षा किया जा रहा है, जिस प्रकार से जिले में जो कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर चलता रहा है, वैसे बाहरी लोगों को अजय लल्लू ने, जो कांग्रेस एक दिन का भी कांग्रेस ही नहीं है, उसको उठा के टिकट दे दिया है। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं जहां अन्याय हो रहा हो वहां अपनी लड़ाई को लड़ो और उस आवाज को हमारे तक पहुंचाओ और बताओ कि पार्टी में जिस प्रकार की अनियमितता हो रही है उसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ो। और अजय लल्लू ने ब्राह्मण विरोधी छवि जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में लगातार उनके खिलाफ लोग कहते रहे, हम लोग उनके गृह जनपद से थे, हम लोग उनका अपना नेता मानते थे, लेकिन आज पीड़ा है, आज दर्द है, आज ब्राह्मणों के खिलाफ जो इनकी एक मानसिकता पिछले दिनों से लगातार चलती रही है, आज देवरिया जिले में कुशीनगर जिले में एक भी ब्राह्मण को इस लायक नहीं समझा, जहां पे 20% से ज्यादा ब्राह्मण रहता है एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है, इसके खिलाफ हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं। उसको पैसा अजय लल्लू ने भेज दिया है, हम कांग्रेसी है, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन जो अजय लल्लू जब तक पड़ता रहेगा हम कांग्रेस में काम नहीं करेंगे। ऐसे आदमी को तत्काल